रोड पर घने जंगल के अंदर कैंपिंग करके आपको कैसा लग रहा है? इनकी तो जान अलग में आधी अंदर आधी बाहर है। इनसे हमने ना कोई होटल लिया है और ना कहीं हमने बाहर खाना खाया है। क्यों? गाड़ी के अंदर ही सोएंगे, क्योंकि रात को रात अकेली है और कोई आ जाए बाग। खाल जो चंबा रोड पर स्थित है, और यहाँ से हम कुछ सब्जियाँ लेंगे अपने रात के खाने के लिए। तो आओ चलते हैं और पूछते हैं क्या रेट है। तो अदरक बहुत आई हुई है। टमाटर भैया 60 रुपये किलो टमाटर हैं। वाह भाई वाह, 60 रुपये किलो, दिल्ली से भी ज़्यादा रेट है। पर हो भी क्यों ना, क्योंकि पहाड़ में लाकर बेचते हैं इतनी ऊंचाई पर, तो इतना तो बनता ही है। और श्रीमती जी ले रही हैं टमाटर, ले रही हैं प्याज, तो हमारे पास है, आलू भी हमारे पास है। अभी हम मिर्च लेंगे और हरा धनिया लेंगे और एक आध कोई सब्ज़ी ले लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अखरखाल जगह है, जो वहाँ का एक ये छोटी सी मार्केट है, चंबा रोड पर स्थित है। हमारी गाड़ी का फैन नहीं चल रहा है और हम यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। भैया देख रहे हैं क्या हो गया है, फ़ैन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, इस वजह से हमें रुकना पड़ गया। ये अखरखाल के पास में ही ये मार्केट है। सिर्फ एक लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये द होटल ब्लैक पियर होटल एंड रिसोर्ट है, इसका काम चल रहा है, तो यहीं पर ही रुक गए थे हम। मेन रोड पर ये ऋषिकेश से और कानाताल वाले रास्ते पे। और ये है, ये फेरी लाइट जलाई हुई है, लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लाइट है। और इधर हमने अपना छोटू चलाया हुआ है, छोटू हाथ वगैरह सेकने के लिए, थोड़ा ठंड ना लगे, ठंड का अनुभव ना हो। और वैसे तो आपको पता ही है, अपना एक कनस्तर इधर रखा हुआ है पानी का, कैंपर। और इधर अपना मटेरियल दिखा देते हैं आपको। कुछ समझ आया? नहीं आया? अभी रुकिए थोड़ा सा, अब समझ आया? अपना चिकन फ्राई हो रहा है इधर, चिकन दो प्याजा। और हमारी सेफ हैं श्रीमती जी। तो श्रीमती जी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आज सुनसान रोड पर घने जंगल के अंदर कैंपिंग करके आपको कैसा लग रहा है? इनकी तो जान अलग में आधी अंदर आधी बाहर है। और देखिए दोस्तों, ये पूरा अंधेरा, इधर देखो, इधर ना बच्चा ना बच्चे की जात, और इधर अंधेरा, सामने से कब कौन सा बागड़ बिल्ला आ जाए। इधर गाड़ियां जा रही हैं, ना बच्चा ना बच्चे की जात, सिर्फ गाड़ियां जा रही हैं। और इधर सुनसान रोड पर हम कर रहे हैं कैंपिंग दोस्तों।
ये है कैंपिंग, कैंपिंग का असली सच। हम लोगों को आज, हम लोगों को दोस्तों आज 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से हमने ना कोई होटल लिया है और ना कहीं हमने बाहर खाना खाया है। क्यों? हमने गाड़ी में बनाया, गाड़ी में खाया है और वहाँ तो हम कैंप लगा के सोए थे, लेकिन आज हम कैंप लगा के सोने वाले नहीं हैं, आज हम गाड़ी के अंदर ही सोएंगे क्योंकि रात को रात अकेली है और कोई आ जाए बागड़ बिल्ला, हमार को कब शिकार बना लेगा हमें भी ना पता चले। ये और बच्चे, बच्चे अपनी ले रहे हैं नींद। हाँ, ये इतने एक नींद ले लें, इतने हम खाना अपना बना लेते हैं और ये अपना चेयर तो पता ही आपको लगा दी गई है दोस्तों, और ये बस तैयारी अब। और छोटू बहुत अच्छा काम आ रहा है हाथ सेकने के, क्यों है ना? सही है ना, ठंड वगैरह नहीं लगेगी? छोटू कुछ काम आ रहा है छोटू या नहीं आ रहा है? सही है, सही है, सही है, सही है भाई, सही है, ठीक है। वैसे दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ भैया है जो ढाबे वाले, इनसे पूछा है तो इन्होंने बोला है कि आप है ना कोई नहीं, गाड़ी लगा के आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी बच्चे साथ हैं तो ऐसा रिस्क नहीं, मैं लेना नहीं चाहूँगा और मैं ना किसी को बोलूँगा कि आप भी ऐसा रिस्क लें। तो उन्होंने मुझे बोला है यहाँ पे इनके टेरेस टाइप छत है कि आप ये छत पे लगा सकते हैं गाड़ी, लेकिन बोल रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रात भर हमारी लाइट जली जाती है और हम अंदर ही सोते हैं, यहाँ पे आप यहीं पर लगा लेना, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जगा सकते हैं। ये यहाँ पर ये लाइट दिख रही है जो ये दुकान है उनकी, तो हमने वहीं पर लगाएंगे गाड़ी को और वहीं सो जाएंगे। अभी खाना खा लेते हैं और सुबह देखेंगे क्या होता है। तो यही है कैंपिंग का मज़ा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ रुके वहीं घर। घुमंतु हम हैं, घुमंतु। ये कुछ क्लिप्स ली थी श्रीमती जी खाना बना रही हैं उस समय की है, ये द ब्लैक पियर्ल होटल एंड रिसोर्ट की है, ये हम गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे हैं अपनी कैंपर वैन में, तब की है, हम जहाँ रुके थे रात को वहीं की सारी क्लिप्स हैं। बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड और हम लोग है ना गाड़ी के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं, देखिए ये हमने सब कुछ रखा हुआ है यहीं पर ही, और इधर अपना चल रहा खाना, चिकन पार्टी है, ठीक है। गाड़ी को देखो कवर्ड कर दिया है तारपोलिन से ताकि वो उससे बचा जा सके, ये देखिए, से बचा जा सके। ये थोड़ा सा ठीक है, और अब हम सो रहे हैं वहीं द ब्लैक के पास। तो गुड नाइट दोस्तों, अभी पहले उससे पहले एक एक चाय हो जाए। देखिए सितंबर, ठंड वंड का कुछ एहसास? कुछ ठंड वंड लग रही है किसी को? नहीं मेरे को तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें भाई? तुम्हें? नहीं भाई हमें भी नहीं लग रही। मम्मा चाय मेरी। रात को जहाँ हम रुके थे वो ये वही जगह है, ये देखिए पहाड़ों के पास बिल्कुल, और ये वो होटल है आपका ब्लैक पियर्ल। और अब हम निकलते हैं, ये देखिए पूरा। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, आज हमने अपनी कैंपर में नहीं बनाया है क्योंकि हम थोड़ा सो कर लेट उठे थे और अब हमें आगे निकलना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो द ब्लैक पियर है वहीं पर ही
थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी थी। देखिए पानी, इनका जो होटल है बिल्कुल रिवर साइड, इधर पानी बह रहा है। और ये देखिए बिल्कुल हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों ये कुछ क्लिप्स लिए हमने जब हम बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। जैसा कि बताया कि हम अपना नाश्ता आज यहीं पर करने वाले हैं, क्योंकि हम सोकर थोड़ा लेट उठे थे और आज हम अपनी कैंपर में नहीं बना रहे हैं। और हम यहां से आगे कानाताल के लिए जाने के लिए वाले थे, लेकिन हमें यहीं से पता चला, यहां के जो ऑनर है मिस्टर भरत जी हैं, उन्होंने बताया कि आप लमयाली करके एक जगह है, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। तो हम लमयाली में मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं लमयाली के लिए, और लमयाली वाला ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, और इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, को हमारे काम को थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग अपना समर्थन देंगे तो शायद हम कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।